There are eight emergency exits on this aircraft. इस साल 4.5 लाख लोगों ने इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट ली। एविएशन मिनिस्ट्री के हिसाब से ये ऑल टाइम हाई है इंडिया में, और इंडिया पूरे दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन मार्केट में से एक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने भी एसी के बारे में बात करी। इंडिया इज द 3rd largest एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट। पर इसी के साथ साथ कई इंडियन एयरलाइंस स्ट्रगल भी कर रही है। Well, Indian aviation is facing turbulence yet again as low-cost airline GoFirst, earlier known as GoAir, has now filed for bankruptcy. इस साल मई में GoFirst ने bankruptcy के लिए फाइल किया, पर surprising चीज यह है कि एक साल पहले ही GoFirst का IPO हुआ था। We also learned the airline may be looking at launching an IPO in the next 2 to 3 months. ये खबर थी पिछले साल से। GoFirst अपने ऑपरेशंस बढ़ा रही थी, नई एयरक्राफ्ट खरीद रही थी और अपने IPO के लिए प्रिपेयर कर रही थी। उन्होंने अपनी ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम रखी थी। GoFirst का 10% मार्केट शेयर भी था, तो बेसिकली GoFirst की पोजीशन बहुत अच्छी थी हमारी मार्केट में। और GoFirst अकेली एयरलाइन नहीं है इंडिया में जो रिसेंटली फेल हुई है। लास्ट 20 सालों में करीब 13 एयरलाइन कंपनीज बंद हुई है, जिसमें कई टॉप की कंपनीज भी थी, जैसे जेट एयरवेज की आज रात 12 बजे से सभी सेवाएं बंद हो जाएंगी। और किंगफिशर विमान की उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला जारी। आज सुबह से अब तक 30 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। और कई छोटी कंपनीज भी थी जिनके शायद आपने नाम भी ना सुना हो, जैसे एयर कार्निवल और एयर पेगासस। अगर हम कार्गो एयर कंपनीज को जोड़ ले तो लिस्ट तो और भी लंबी हो जाएगी। अब सवाल यह है कि इतनी एयरलाइंस फेल क्यों हो रही है ऐसे समय में, जब इंडिया की एविएशन मार्केट इतनी बढ़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि GoFirst के साथ हुआ क्या। कंपनी की ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से फेलिंग इंजन की वजह से कंपनी को बंद करना पड़ा। अब एक फेलिंग इंजन एक एयरलाइन को क्रैश जरूर कर सकता है, पर पूरी कंपनी को बंद हो जाना, ये कैसे हुआ? इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि एक एयरलाइन कंपनी काम कैसे करती है। GoFirst के मालिक हैं वाडिया फैमिली, एक मशहूर पारसी बिजनेस फैमिली जिसके कई बिजनेसेस हैं पूरे देश में, जैसे ब्रिटानिया। इस कंपनी ने इंडिया की एविएशन मार्केट में कदम रखा जब इस परिवार के बेटे जय वाडिया ने 2005 में GoFirst लॉन्च करी। अब किसी भी एयरलाइन बनाने के लिए आपको एयरक्राफ्ट या तो खरीदने होते हैं या फिर लीज पर लेने होते हैं, और दो मेन कंपनीज है पूरी दुनिया में जो ये एयरक्राफ्ट देती है, बोइंग या फिर एयरबस। पर एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए आपको दूसरी कंपनीज के पास जाना पड़ता है, जैसे प्रैट एंड विटनी, सीएफएम इंटरनेशनल या फिर रोल्स रॉयस। जब आपके पास एयरक्राफ्ट और इंजन दोनों आ जाए तब आपके पास एयरलाइन बन गई। अब ऑब्वियसली आपको लाइसेंसेस वगैरह भी चाहिए होंगे, पर अभी हमारी कहानी के लिए बस एयरक्राफ्ट और इंजन पर फोकस करते हैं। GoFirst ने अपने एयरक्राफ्ट लीज करे एयरबस से, और उनके पास एक पर्टिकुलर मॉडल था एयरबस का, एयरबस 320neo, और उन्होंने अपने इंजन्स लिए प्रैट एंड विटनी से। GoFirst की दिक्कतें स्टार्ट हुई जब प्रैट एंड विटनी के इंजन्स फेल होने लग गए। The cash-strapped Indian airline has suspended its flights for Wednesday and Thursday. The Vadia Group-owned company is blaming Pratt & Whitney engine failures. इसकी वजह से अपने वो कई एयरक्राफ्ट को यूज नहीं कर पाए। 2018 में उनको अपने 10% एयरक्राफ्ट रोकने पड़े, और 2021 के अंत तक ये नंबर 30% हो गया, और इस साल मई तक ये नंबर 50% हो गया। More than half your planes are grounded. Absolutely, more than half of the planes are grounded. तो उनके आधे एयरक्राफ्ट वो यूज नहीं कर रहे थे, पर याद रहे इन एयरक्राफ्ट पर उनका भाड़ा फिर भी जा रहा था। हमें ये भी पता होना चाहिए कि GoFirst अकेली एयरलाइन नहीं थी जिसको प्रैट एंड विटनी की इंजन से दिक्कत हुई। GoFirst की राइवल इंडिगो के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, पर इंडिगो ने ऐसा कुछ किया जो GoFirst ने नहीं किया। Has placed a $20 billion order for engines with CFM International. The company has been facing issues with its current Pratt & Whitney engines, and this order with Pratt & Whitney's rival is the largest ever single engine order in history. Indigo ने अपने engines की problem notice करी थी 2016 में, जिसके बाद वो भी अपने कई aircrafts use नहीं कर पाए। पर जब उनको पता चला कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती है, तब उन्होंने अपना इंजन सप्लायर ही बदल दिया। 2019 में CFM International के साथ उन्होंने $20 billion की डील साइन करी, और यही नहीं, उन्होंने प्रैट एंड विटनी से कॉम्पेंसेशन भी मांगा उन एयरक्राफ्ट के लिए जो वो यूज नहीं कर पाए। GoFirst के CEO ने कहा कि उन्होंने प्रैट एंड विटनी की कई प्रेजेंटेशन देखी जहां उन्होंने अपने फ्यूल सेविंग इंजन के बारे में बात करी। Because we were guided by Pratt & Whitney's presentations which not only talked about fuel saving. इसलिए उन्होंने अपने इंजन की प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर दिया और प्रैट एंड विटनी पर विश्वास किया। अब आप पूछोगे कि इंजन फेल हो गए तो क्या हुआ? GoFirst स्पेयर इंजन मांग सकता था प्रैट एंड विटनी से, पर इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। पिछले साल मॉर्निंग कॉन्टेक्ट ने रिपोर्ट किया कि GoFirst अपने 20 एयरक्राफ्ट यूज नहीं कर पाया
क्योंकि उनके पेमेंट इश्यूज थे प्रैट एंड विटनी के साथ, जिसकी वजह से वो स्पेयर इंजन जो गो फर्स्ट को मिलने थे वो प्रैट एंड विटनी ने इंडिगो को दे दिए इन्हीं पेमेंट इश्यूज की वजह से। अब गो फर्स्ट के एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि कोई भी पेमेंट इश्यूज हुए नहीं और उन्होंने हर बार पेमेंट टाइम पर दी, पर सच ये भी है कि गो फर्स्ट के फेलियर का दोष हम बस इंजन पर नहीं डाल सकते। उनके फेलियर का एक बड़ा कारण था मैनेजमेंट फेलियर। वाडिया फैमिली में लड़ाई हो गई थी कि एयरलाइन बिजनेस को हैंडल कैसे करना है, जिसकी वजह से कंपनी की मैनेजमेंट भी स्टेबल नहीं थी। जैसे 2021 में गो फर्स्ट के हेड जय वाडिया ने एयरलाइन के MD के रोल से रिजाइन किया। पिछले साल गो फर्स्ट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एयरपोर्ट सर्विसेज हेड और रेवेन्यू मैनेजमेंट और नेटवर्क प्लानिंग डिपार्टमेंट के कई एग्जीक्यूटिव ने भी अपनी जॉब छोड़ दी। सितंबर 2022 तक रेवेन्यू मैनेजमेंट की आधी टीम अपनी नौकरी से चली गई थी। पायलट और कैबिन क्रू ने भी दूसरी एयरलाइंस के जॉब ऑफर ले लिए, जैसे एयर इंडिया या फिर अकासा एयर। इसके पीछे एक मेजर कारण बताया जाता है कि स्टाफ की कई टाइम से सैलरी हाइक नहीं हुई और ना उनका प्रमोशन हुआ। अब क्योंकि एयरलाइन का स्टाफ इतना कम हो गया, कस्टमर कंप्लेंट्स भी स्टार्ट हो गए। सुबह 3 बजे उठ के मैं मेरठ से यहाँ के लिए आया हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे जानकारी हो रही है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, कोई ठीक से बताने के लिए भी तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इतनी परेशानियां हो रही हैं। जिसका अंजाम था फाइनेंशियल लॉसेस। 2022 में कुछ महीनों के अंदर ही गो फर्स्ट का लॉस 1800 करोड़ से 3500 करोड़ चले गया। तो इंजन फेलियर्स, मैनेजमेंट इंस्टेबिलिटी और परिवार में इश्यूज की वजह से गो फर्स्ट फेल हो गए। पर क्या सारी इंडियन एयरलाइंस के इंजन फेल हुए? इंडियन एयरलाइंस में क्या दिक्कतें थी? उसके लिए एक उदाहरण जो हम ले सकते हैं। वेलकम अबाउट किंगफिशर एयरलाइंस। किंगफिशर एयरलाइंस को बनाया गया 2005 में, जिसके मालिक थे विजय माल्या। वो हर चीज में नंबर वन बनना चाहता था। ये एयरलाइंस बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी बन गई। शुरुआत धमाकेदार थी, भारत में लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसने IPL टीम को स्पॉन्सर किया। पार्टीज होस्ट करी और एक ऐसी रेपुटेशन बना ली कि एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन है। ये बिजनेस क्लास नहीं है और ना ही इकोनॉमी। देखिए, ये किंगफिशर क्लास है। गरम खाना, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट और कंफर्टेबल सीट्स, और गेस्ट को भगवान की तरह ट्रीट करा जा रहा था। बिजनेस क्लास ट्रैवलर्स के बीच ये एयरलाइन पॉपुलर हो गई। 2008 से कंपनी ने अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी स्टार्ट कर दिए, जब उन्होंने बैंगलोर और लंदन का रूट स्टार्ट किया। बेंगलुरु से लंदन उड़ान भरने वाला ये पहला भारतीय कैरियर है। मेरी राय में ये बेहतरीन प्रोडक्ट होगा। किंगफिशर पहली इंडियन एयरलाइन बनी जिसको स्काई ट्रैक रेटिंग ने 5 स्टार्स दिए। पूरी दुनिया में बस 7 एयरलाइन थी जिनको ये रेटिंग मिली थी। किंगफिशर इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। 250 डेली फ्लाइट्स के साथ साथ किंगफिशर का 26% डोमेस्टिक मार्केट शेयर था। एयरलाइन के बिजनेस में ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर माना जाता है। जैसे आज विस्तारा और स्पाइस जेट 2nd और 3rd बिगेस्ट डोमेस्टिक ऑपरेटर्स है इंडिया में, और उनका मार्केट शेयर 10 और करीब 7% है। कहानी बहुत अच्छी चल रही थी किंगफिशर एयरलाइंस की, पर एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। उस साल सितंबर में किंगफिशर एयरलाइंस ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया, इट वॉज अ कमर्शियली प्रूडेंट डिसीजन। वी कैनॉट एज अ प्राइवेट कंपनी अफोर्ड टू फ्लाई On routes that are heavily loss-making. Company घाटे में चल रही। कंपनियां और लोगों के एयर ट्रैवल ना करने से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। पहले 18 महीनों में ही आपको 347 करोड़ का नुकसान हो चुका है। फरवरी 2012 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किंगफिशर एयरलाइंस को एक नोटिस भेजा कि उन्होंने $32 मिलियन की पेमेंट नहीं करी। उन पर लीगल एक्शन भी लिया गया कि वो टैक्स नहीं पे कर रहे। सर्विस टैक्स विभाग ने किंगफिशर का एक विमान जब्त कर लिया है। विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर पर 77 करोड़ रुपए का सर्विस टैक्स बकाया है। तो ये एकदम से हुआ कैसे? इसके 2 मेन कारण थे। किंगफिशर एयरलाइंस का अच्छा गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं था और ना ही उनके पास एक क्लियर स्ट्रेटजी थी। इसे किंगफिशर स्टार्ट हुई एक प्रीमियम बिजनेस क्लास लग्जरी एयरलाइन के तौर पर, जहां अच्छा खाना और एंटरटेनमेंट दिया जाएगा। किंगफिशर कोई सस्ती एयरलाइन नहीं है और मेरा बिजनेस मॉडल हवा में उड़ने वाली सस्ती बस का नहीं है। उनका मानना था कि इंडियन मिडिल क्लास अब लग्जरी चाहता है और किंगफिशर एयरलाइंस ये लग्जरी उनको देगा। पर 2007 में उन्होंने एक एयरलाइन अक्वायर करी, एयर डेक्कन। किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या एयर डेक्कन को खरीदने जा रहे हैं। दोनों एयरलाइंस आपस में जुड़ने जा रहे हैं। डेक्कन एविएशन अब है किंगफिशर, जिसको उन्होंने रीब्रांड किया और बुलाया किंगफिशर रेड। अब अगर आप में से किसी ने एयर डेक्कन में ट्रैवल किया है तो आप जानते हो कि एयर डेक्कन लग्जरी के बारे में नहीं है। GR गोपीनाथ, जो एयर डेक्कन के फाउंडर थे, उन्होंने ये
कहा था। We broke that not just the cost barrier, but we broke the caste barrier to flying. And I think for me the biggest satisfaction was when people who could never afford to fly flew. Air Deccan आम आदमी की एयरलाइन थी। Air Deccan में आपको सीट्स नहीं दी जाती थी। एक इंडियन बस की तरह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता था। अब आप पूछोगे कि किंगफिशर की क्या लॉजिक थी Air Deccan को खरीदने की? उनकी लॉजिक ये थी कि किंगफिशर लग्जरी ट्रैवलर्स को सर्व करेगा और Air Deccan सस्ते ट्रैवलर्स को, तो हम पूरी मार्केट हड़प लेंगे। पर किंगफिशर एयरलाइंस की एक और भी लॉजिक थी कि जब एक इंडियन पैसेंजर बजट ऑप्शन ट्राई करेगा, उसके बाद वो लग्जरी ऑप्शन भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो एक कस्टमर जिसने कभी भी एयरलाइन ट्राई नहीं करी, वो किंगफिशर रेड लेंगे और फिर धीरे धीरे किंगफिशर प्रीमियम लेने लग जाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, उल्टा बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। किंगफिशर एयरलाइंस के कस्टमर्स किंगफिशर रेड यूज करने लग गए। इसका मतलब था कि किंगफिशर अपने प्रीमियम सेगमेंट पर ही घाटा करने लग गया। अब किंगफिशर जरूर कई अवार्ड जीत रहा था, पर प्रॉब्लम 2011 में नहीं, उनकी समस्या स्टार्ट हो गई 2008 से, जब एक ग्लोबल रिसेशन आया। यूएस में रिसेशन है और इस हफ्ते वॉल स्ट्रीट की धीमी शुरुआत की वजह से पूरे विश्व में मंदी छाई रहेगी। ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न का एविएशन सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से एयरलाइन के फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गए। तो 2011 में एयरलाइन ने बताया कि 3 साल लगातार उनका घाटा हुआ है 1,000 करोड़ का। किंगफिशर एयरलाइंस को रियलाइज हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। किंगफिशर ने फिर अपनी गलती सुधारने की कोशिश करी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किंगफिशर रेड के ही दाम बढ़ा दिए। तो अपनी बजट एयरलाइन को भी उन्होंने प्रीमियम करने की कोशिश करी, पर 1 साल बाद ही उनको किंगफिशर रेड के ऑपरेशंस बंद करने पड़े। 2005 में किंगफिशर के पहले सीईओ थे एलेक्स विलकॉक्स, जो किंगफिशर के साथ एक समर इंटर्नशिप के ड्यूरेशन से भी कम रहे। बस 2 महीने में उन्होंने अपनी पोजीशन रिजाइन कर दी। मेरे लिए ये कठिन फैसला था, लेकिन मैंने जाने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि हम दोनों का लॉन्ग टर्म बिजनेस विजन अब एक नहीं था। अब उनके रेजिग्नेशन के एग्जैक्ट रीजंस पब्लिकली कभी आए नहीं है, पर कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से एलेक्स मानते थे कि वो इंडिया में एक बहुत अच्छी एयरलाइन सेटअप करने जा रहे हैं। उसके पास एक विजन था और उस विजन का मकसद था भारत में आम आदमी के उड़ान के सपने को एक नया आयाम देना। मैंने कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस को स्टार्ट करने में मैं उनकी मदद करूंगा। पर जब वो इंडिया पहुंचे, उनको पता चला कि एलेक्स के पहुंचने से पहले ही विजय माल्या ने एयरलाइन की सारी स्ट्रेटजी बना दी। तो उनको लगा कि एज अ सीईओ अगर मुझे इंडिपेंडेंस ही नहीं दी जा रही है, तो मैं भला इधर क्या ही कर पाऊंगा। इसके साथ ही साथ एलेक्स को बताया गया था कि किंगफिशर एक लो कॉस्ट एयरलाइन होगी, पर जब वो पहुंचे उनको पता चला कि किंगफिशर तो एक प्रीमियम एयरलाइन होने वाली है। उस समय मैं समझ गया कि एक लो कॉस्ट डोमेस्टिक कैरियर का जो विजन था उसे त्याग दिया गया है। मुझे एहसास था कि ऐसी एयरलाइन को चलाने का तजुर्बा मेरे पास नहीं है। एलेक्स के रेजिग्नेशन के बाद करीब 5 साल तक किंगफिशर एयरलाइन का कोई भी सीईओ था ही नहीं। इसका मतलब था कि किंगफिशर एयरलाइंस विजय माल्या की इच्छाओं पर चल रही थी, और विजय माल्या के पास भी बहुत टाइम ही था उस समय। ये वही समय था जब उन पर कई आरोप लगाए गए थे। एक आरोप था कि उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस से 6,000 करोड़ रुपए ले लिए, और यही पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें दूसरी इंडियन एयरलाइंस में भी देखने को मिली है। एक अच्छा उदाहरण है एयर इंडिया। वेलकम टू एयर इंडिया। और एयर इंडिया में भी दिक्कत वही थी, पुअर गवर्नेंस। जैसे 2005 में एयर इंडिया ने बोइंग से 111 प्लेन्स ऑर्डर करे थे, पर ये उनके प्लान में था ही नहीं। इनफैक्ट विनोद राय, जो इंडिया के एक्स सीएजी थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एयर इंडिया का ओरिजिनल प्लान बस 10 एयरक्राफ्ट ऑर्डर करने का था एयरबस से, पर 10 एयरबस ऑर्डर करने की बजाय उन्होंने 111 बोइंग करे। तो हुआ क्या, ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इशूड अ पब्लिक प्ली टू हिज लेफ्टिस्ट एलाइज इन पार्लियामेंट टू लेट द डील मूव अहेड। 2005 में इंडिया यूएस के साथ एक न्यूक्लियर डील कर रही थी। 1998 में जब इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उसके बाद अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे इंडिया पर, जिससे इंडिया के लिए न्यूक्लियर पावर बनाना मुश्किल हो गया था। पर इस डील में एक शर्त थी कि इंडिया को अमेरिका से न्यूक्लियर कोऑपरेशन मिलेगी और अमेरिका को इंडिया से एक बोइंग एयरक्राफ्ट का ऑर्डर। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी थी, जबकि एयरबस एक फ्रेंच कंपनी। तो इस न्यूक्लियर डील की वजह से दबाव डाला गया एयर इंडिया पर कि वो एयरबस से नहीं बल्कि बोइंग से एयरक्राफ्ट खरीदे। इनफैक्ट इंडिया के प्लानिंग कमीशन ने भी अपनी आवाज उठाई थी इस डील के खिलाफ। अब आप में से कुछ लोग पूछोगे कि एक एयरलाइन भले ही अपना सप्लायर बदल सकता है, पर भला एयर इंडिया ने अपना ऑर्डर 10 से 111 प्लेन्स कैसे कर लिया। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है 2011 से, और तब के सीएजी विनोद राय ने इसके ऊपर कई सवाल उठाए हैं। 2017 में सरकार ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट करी, और एक्स एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि ये ऑर्डर बढ़ा दिया गया क्योंकि एक मर्जर हो रहा था एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का। अब हमें ये नहीं पता कि ये ऑर्डर चेंज जस्टिफाइड था या नहीं, पर हमें ये जरूर पता है कि इस डील के बाद एयर इंडिया के फाइनेंसेस और बिगड़ गए। अब गवर्नेंस अकेला कारण नहीं है एयरलाइन फेलियर्स के पीछे, एक और कारण है
इंडिया की यूनिक एविएशन मार्केट। ये है कैप्टन जीआर गोपीनाथ, जिन्होंने एक लो कॉस्ट एयरलाइन एयर डेक्कन बनाई थी। उनका बस एक विजन था। And I think for me the biggest satisfaction was when people who could never afford to fly flew. कि इंडिया में एयर ट्रैवल सस्ता हो जाए, जिससे कई लोग हवाई जहाज में उड़ पाए। पर एयर डेक्कन की शुरुआत थोड़ी डामाडोल थी। 24 दिसंबर 2003 को लॉन्च के एक महीने बाद एयर डेक्कन अपनी पहली फ्लाइट हैदराबाद से विजयवाड़ा की तरफ जा रही थी। आप सभी का स्वागत है डेक्कन एयर की पहली फ्लाइट। प्लेन में थे 23 पैसेंजर्स, इंक्लूडिंग बीजेपी प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू और एविएशन मिनिस्टर राजीव प्रताप रेड्डी। टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद ही इंजन में आग लग गई। थैंकफुली वो आग बुझ गई और सारे पैसेंजर्स सेफ थे, पर कई लोग ये सवाल उठाने लग गए कि क्या लो कॉस्ट का ये मतलब होगा कि सेफ्टी कम होगी। पर थैंकफुली एयर डेक्कन के लिए उनकी कहानी बदलने लग गई। एक महीने बाद उन्होंने वापस अपनी पहली फ्लाइट स्टार्ट करी और दिसंबर 2003 में उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो और प्लेन्स खरीद रहे हैं। एयर डेक्कन की टिकट के दाम करीब 40-50% सस्ते थे दूसरी एयरलाइन से। जुलाई 2004 में एयर डेक्कन ने इंट्रोड्यूस किया डायना फेयर्स, जहां टिकट के प्राइसेस डायनामिकली बदलेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस मॉडल पर। तो अगर आप टिकट जल्दी खरीदते हैं, आपके लिए वो टिकट सस्ती होगी। इसका मतलब था बड़े बड़े शहरों के बीच एयर डेक्कन के टिकट के दाम बस 700 रुपए थे, जबकि दूसरी प्रीमियम एयरलाइंस के दाम 6,500 से 10,500 के बीच में थे, वो भी इकोनॉमी क्लास के। कई लोग जो ट्रेन लेते थे पहले, अब वो एयर डेक्कन यूज करने लग गए। पहली बार प्लेन में बैठने को मिला, कितना अच्छा लग रहा है। इसकी वजह से एयर डेक्कन का मार्केट शेयर 22% तक बढ़ गया। याद रहे हमारे देश की उस समय सबसे बड़ी एयरलाइन थी जेट एयरवेज, जिसका मार्केट शेयर था 25%। एयर डेक्कन इतनी पॉपुलर हो गई कि उसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई। पर कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। एयर डेक्कन बहुत जल्दी एक्सपैंड करने लगा। 2007 तक हर दिन वो 380 फ्लाइट्स ऑपरेट करने लग गए 67 एयरपोर्ट से। एयर डेक्कन की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने लग गई, पर ये कॉस्ट वो कंज्यूमर से नहीं ले सकते थे क्योंकि उनके दाम कम थे। कई नई लो कॉस्ट एयरलाइंस जैसे स्पाइस जेट और इंडिगो भी मार्केट में आ गई, जिसकी वजह से 2007 तक एयर डेक्कन अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन नहीं कर पाई। इवेंचुअली किंगफिशर ने उनको खरीद लिया और रीब्रांड कर दिया किंगफिशर रेड के तौर पे। जर्नलिस्ट प्रंजल पांडे कहते हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम थी एयर डेक्कन के लिए कि उनका कंज्यूमर जो था वो बहुत प्राइस सेंसिटिव था, जिस वजह से वो अपने दाम नहीं बढ़ा पाए। और ये प्रॉब्लम बस एयर डेक्कन की भी नहीं है, आज लो कॉस्ट एयरलाइंस का 80% मार्केट शेयर है। प्रंजल जैसे कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इंडियंस कोई भी एयरलाइन फ्लाई करने के लिए तैयार है जब तक वो सबसे सस्ती एयरलाइन। लॉयल्टी और इन फ्लाइट सर्विसेज इतनी मैटर नहीं करती। अगर आप महंगा खाना दोगे तो लोग घर से खाना लेकर आ जाएंगे। मैटर बस ये करता है कि टिकट कितनी सस्ती है। कई लोग ने दावा किया कि इसी वजह से जेट एयरवेज भी फेल हो गई, क्योंकि वो इंडियन मार्केट में प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करना चाहती थी। इंट्रोड्यूसिंग द ऑल न्यू जेट एयरवेज फर्स्ट क्लास सूइट्स। पर ऐसा भी नहीं है कि हर लो कॉस्ट एयरलाइन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी इंडियन मार्केट में। लास्ट ईयर इंडिगो कुछ रूट्स में हर पैसेंजर पर 29 पैसे का नुकसान झेल रही थी, जहां हर पैसेंजर के लिए वो हर किलोमीटर के लिए 4.69 रुपए चार्ज करती थी, उनको खर्चा 5.08 रुपए का करना पड़ता था। समस्या यह है कि कंज्यूमर चाहता है कि टिकट का प्राइस सस्ता हो, पर जो एयरलाइन की कॉस्ट है वो फुल्ली उनके कंट्रोल में नहीं है। कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनकी कॉस्ट ऊपर नीचे जाती रहती है, और इनमें से एक फैक्टर है तेल। बिकॉज ऑफ द क्रूड रेट्स क्लाइंबिंग अप, देयर्स बीन अ स्टीप हाइक इन द एविएशन फ्यूल प्राइस एज वेल। इन फैक्ट इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए तेल, जिसको एविएशन टर्बाइन फ्यूल या फिर ETF कहा जाता है, वो दुनिया में सबसे महंगा है। अब इसमें कई दिक्कतें हैं। पहली है कि ETF GST नेटवर्क के बाहर है। अब ये मैटर क्यों करता है? बेसिकली GST सिस्टम एक यूनिफाइड सिस्टम है, जिसका मतलब है कि स्टेट टैक्सेस एक समान है। पर अगर कोई प्रोडक्ट GST के बाहर है तो उसका मतलब है कि हर स्टेट अपने तरीके से टैक्सेस कर सकती है। अब ATF पर एक्साइज ड्यूटी लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो 11% की है, और उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लगता है जो हर स्टेट का अलग होता है। इसके बाद एक और कॉम्प्लिकेशन है। महाराष्ट्र में जहां ATF पर VAT 25% है, मुंबई और पुणे एयरपोर्ट्स पर स्टेट के दूसरे एयरपोर्ट्स में ये 5% है। सिमिलरली तमिलनाडु और गुजरात में जो VAT लगता है ATF पर त्रिची और राजकोट एयरपोर्ट्स पर वो 5% है, जबकि और दूसरे एयरपोर्ट्स जो उन स्टेट्स में है उन पर VAT 29% है। तो इस वजह से
किसी भी एयरलाइन की कॉस्ट एयरपोर्ट बाय एयरपोर्ट चेंज हो जाती है। नीति आयोग के हिसाब से इंडिया में ATF दाम 60% ज्यादा है साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्टर्न देशों से। इसी वजह से जहां दुनिया भर में किसी भी एयरलाइन की ऑपरेशनल कॉस्ट का 30% ATF होता है, इंडिया में 45% ऑपरेशनल कॉस्ट किसी भी एयरलाइन की फ्यूल की वजह से है। अब GST में कई फायदे होंगे। पहली बात है, कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगी। फिर अगर GST लगाया जाएगा जो टैक्स रेट्स भी होंगे उसकी वजह से ATF के दाम कम हो जाएंगे। इसके अलावा GST में एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी सिस्टम होता है जिसकी वजह से एयरलाइन बहुत टैक्स भी बचा पाएंगी। इसी वजह से कई एयरलाइंस दरख्वास्त करेंगे सरकार को कि वो ATF को GST सिस्टम में ला दे। इंडिगो इनफैक्ट urge the government to bring it under the GST ambit. अब ATF में एक और दिक्कत है, क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल यूजुअली इंपोर्ट करता है, कई जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इसका दाम ऊपर नीचे जाता रहता है। जैसे पिछले साल ऑयल के दाम बहुत बढ़ गए, क्यों? Well, the conflict in Ukraine and the sanctions on Russia have led to another surge in the cost of oil and gas. अब जब ऑयल की समस्या हल हो जाए तो एक और समस्या सामने आ जाती है, वो है रुपी। रुपया डॉलर के मुकाबले 81.50 रुपए के पार पहुंच गया। इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया है। अब आप पूछोगे कि डोमेस्टिक पैसेंजर भी पैसे रुपी में देता है, तो अगर रुपी की वैल्यूएशन कम हो रही है तो उससे एक एयरलाइन पर क्या असर पड़ता है, मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने बताया कि कई एयरलाइंस रेंट करती है एयरक्राफ्ट फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स से, और ये रेंटल अग्रीमेंट्स डॉलर में होते हैं, तो अगर रुपी की वैल्यूएशन कम हो जाती है तो एक एयरलाइन को पैसे तो रुपी में मिल रहे पैसेंजर से, पर उनको एयरबस और बोइंग को पैसा डॉलर में देना होता है। जैसे हमने बात करी, जब गो फर्स्ट ने अपनी एयरलाइन बंद करी तब पता चला कि उन्होंने अपने 10 प्लेन्स का भाड़ा नहीं दिया 2 महीने, जिससे उन्होंने एयरक्राफ्ट लिए थे उनको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ी थी DGCA पर, ताकि वो अपना पैसा बरामद कर पाए। पर इन प्रॉब्लम्स के बाद भी जो एविएशन मार्केट है इंडिया की वो तो बूम कर रही है, तो ये पहेली क्या है? अब जैसे भारत में एविएशन सेक्टर में डिमांड लगातार बढ़ रही है, भारत का डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक, हमारा पैसेंजर्स ग्रोथ नया रिकॉर्ड बना रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी जो करीब 2 महीने पहले अमेरिका में बातचीत कर रहे थे, और वो सही कह रहे हैं, इंडिया आज दुनिया की 3री सबसे बड़ी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। इंडियन GDP में इसका कंट्रीब्यूशन 5% है और 40 लाख लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और इसके पीछे एक मेजर कारण है मिडिल क्लास फैमिली। 2010 में 8 करोड़ पैसेंजर्स थे इंडिया में, जो 7 साल के अंदर दुगना हो गया, पर एस्टिमेट किया जा रहा है कि 15 साल में 2037 तक ये नंबर 52 करोड़ हो जाएगा। जैसे लोगों की आमदनी बढ़ेगी उतनी एविएशन की डिमांड भी बढ़ जाएगी। आपने ट्विटर पर कई लोग देखे होंगे जो कंप्लेन कर रहे हैं कि एयरपोर्ट लाउंजेस बहुत ज्यादा भरे हुए इंडियन एयरपोर्ट्स पर, वो इसी का अंजाम है। अब ये जरूर है कि अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो इंडियन मिडिल क्लास बहुत छोटी है, इसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात भी करी थी, पर इंडिया में पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी है, एक छोटी परसेंटेज भी एग्रीगेट टर्म्स में बहुत बड़ा होता है। बढ़ती मिडिल क्लास के अलावा इंडियन सरकार भी एविएशन सेक्टर को प्रमोट कर रही है। पहली बार भारत में एविएशन पॉलिसी हमारी सरकार आने के बाद बनी। 2016 में इंडिया ने नेशनल एविएशन पॉलिसी निकाली। इस पॉलिसी ने पुरानी 5/20 रूल की पॉलिसीज को चेंज कर दिया। 5/20 रूल का मानना था कि डोमेस्टिक एयरलाइंस तभी इंटरनेशनल ट्रैवल स्टार्ट कर सकती है जब उन्होंने 5 साल डोमेस्टिकली फ्लाई किया हो और जिनके मैक्सिमम 20 एयरक्राफ्ट हो। इसका मतलब है एक नई एयरलाइन भी अब इंटरनेशनल रूट्स ले सकती है। जैसे विस्तारा ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट करे थे 2015 में, पर उस समय वो 10 बार सोच रही थी कि हम अपने ऑपरेशन बढ़ाएं या फिर नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो इंटरनेशनल रूट्स कब फ्लाई करेंगी। पर अब इस पॉलिसी ने आसान बना दिया है कि एक इंडियन एयरलाइन इंटरनेशनल रूट्स भी फ्लाई कर सकती है। इसके अलावा इंडियन सरकार ने निकाली एक और पॉलिसी, उड़ान। नहीं, ये उड़ान नहीं, बल्कि उड़े देश का आम नागरिक, जो एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कुछ रूट्स को सब्सिडाइज करती है, जिससे कई छोटे शहर बड़े शहर से कनेक्ट हो पाए। इस स्कीम के जरिए तमिलनाडु का सालम शहर चेन्नई से कनेक्ट हुआ, आंध्र प्रदेश का कडपा शहर हैदराबाद से कनेक्ट हुआ, और दाम भी बहुत रीजनेबल है टिकट्स के, 1,000 से 2,500 रुपए तक। अब आप पूछोगे कि अगर सरकार कुछ रूट सब्सिडाइज कर सकती है, वो एयरलाइंस को बेल आउट क्यों नहीं करती, जिससे कहीं जॉब भी बच जाए? पैंडेमिक के बाद दुनिया भर में कई सरकारों ने अपनी एयरलाइंस को बेल आउट किया। इनफैक्ट $123 बिलियन दिए गए थे एयरलाइंस को, जिसमें से $26 बिलियन एशिया पैसिफिक में दिया गया, पर इंडियन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि इंडियन सरकार को जरूर मदद करनी चाहिए, पर टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की माने तो वो मदद नहीं करना चाहते क्योंकि उनका भरोसा कम है इन एयरलाइन कंपनीज पर। और ये भरोसा कम हुआ था किंगफिशर के बाद। सरकार मानती है कि एयरलाइन तो फेल हो गई पर प्रमोटर्स तो फिर भी अमीर थे। अब पहले प्रमोटर्स को मदद करनी चाहिए ना, फिर सरकार मदद करेगी। दूसरी तरफ है वो लोग जो कहते हैं कि सरकार को मदद करनी चाहिए, ये सेक्टर बहुत ही जरूरी है हमारी डेवलपमेंट के लिए और 40 लाख जॉब्स का जो सवाल है। इनफैक्ट सरकार ने पहले भी मदद करी है, जैसे एयर इंडिया को सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए का बेल आउट दिया था। पर लोग कहते हैं कि सरकार को बेल आउट कुछ ही रीजंस की वजह से करना चाहिए। अब अगर कोई कंपनी मैनेजमेंट की वजह से फेल हो रही है तो सरकार भला क्यों हेल्प करे। और दूसरे लोग कहते हैं कि सरकार को हेल्प जरूर करनी चाहिए पर पैसे देकर नहीं, बल्कि वो सेक्टर को और एफिशिएंट बना दे, जैसे ATF को GST में लेकर आए और दूसरे रिफॉर्म्स क्रिएट करें जिससे कंपनीज खुद ब खुद पैसा कमा पाए। हमें ये भी रियलाइज करना चाहिए कि दुनिया भर में ये बिजनेस बहुत ही चैलेंजिंग है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो पहले बिलियनेयर बन जाओ और फिर एक एयरलाइन कंपनी स्टार्ट कर दो। अमेरिका की टॉप एयरलाइन जैसे अमेरिकन, यूनाइटेड और डेल्टा सभी ने कम से कम एक बार तो बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया ही है। एयरलाइन बिजनेस इतना चैलेंजिंग है क्योंकि उनके ऑपरेशंस कई एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं जो कभी भी डामाडोल हो सकते हैं। अगर कोई वॉर हो गई, पुतिन का काला हमला शुरू हो चुका है, तो फ्यूल के प्राइसेस हाई हो जाएंगे। Well, the conflict in Ukraine and the sanctions on Russia have led to another surge in the cost of oil and gas. Pandemic या फिर political instability हो गई तो सारी एयरलाइंस बंद हो जाएंगी, क्योंकि कोरोना वायरस के डर से लोग यात्रा करने से बच रहे हैं जिसका सीधा असर उड़ानों पर पड़ रहा है। इसे 9/11 अटैक्स के बाद US की एयरलाइन इंडस्ट्री को $7.7 billion का नुकसान हुआ था। पर इसके साथ साथ कई एयरलाइंस भी हैं जो बहुत प्रॉफिटेबल हैं और कस्टमर्स उनको बहुत पसंद करते हैं, जैसे सिंगापुर एयरलाइंस, एमिरेट्स या फिर इंडिया में इंडिगो। बस एयरलाइन कंपनीज अगर वो गलतियां ना दोहराए जो किंगफिशर और दूसरी इंडियन एयरलाइंस ने करी, ऐसे वीडियोस में उनका नाम नहीं लिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये बिजनेस वाला वीडियो भी अच्छा लगेगा, जहां हमने बात करी मोटा भाई की कि अंबानी की क्या बिजनेस स्ट्रेटजी रही है इंडियन इकोनॉमी में डोमिनेट करने की, तो उसको जरूर देखना।